नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। 18-12 वोल्टाइल्स का लुकिंग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, किस प्रकार का लुकिंग रहता है। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा देखते रहिए, आपको टाइल्स की वो सभी जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने आस पड़ोस रिश्तेदार में अगर मकान का कार्य चल रहा हो तो ज़रूर उनको ये वीडियो शेयर करना। बात करते हैं 18-12 एलिवेशन की, तो ये मैट फिनिश में एलिवेशन पे लगाई हुई ये टाइल्स 18-12 की साइज है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की ये टाइल्स। आप देख सकते हैं मेन फ्रंट पर पूरी तरह से टाइल्स लगाई हुई है, और ऊपर के एरिया में आपको एक साइड ये देख सकते हैं, ये ऊपर वाला एरिया का, इसके ऊपर भी टाइल्स ली हुई है। टाइल्स लगाते समय आप ध्यान रखिएगा, बाहर के एलिवेशन में जब भी आप टाइल्स लगाएं तो कंपलसरी केमिकल का यूज़ कीजिए, क्योंकि सर्दी गर्मी और बारिश तीनों मौसम इस टाइल्स के लगते हैं, तो आप केमिकल का यूज़ करें ताकि टाइल्स कभी भी निकले ना, बारिश में या गर्मी में टाइल्स निकले ना। एलिवेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये दो साइड पे विंडो दे रखा है, और बीच में मेन गेट है। मेन गेट को ग्रेनाइट की चौखट से लगाया हुआ है, और बीच में 2 इंच डिज़ाइन पट्टी टाइल्स की कटिंग करके ली हुई है। ऐसा का ऐसा आप देख सकते हैं वेंट में भी लिया हुआ है, लकड़ी का वेंट है, उसके चारों तरफ ग्रेनाइट की मोल्डिंग, आधा इंच पट्टी लगाकर मोल्डिंग कर उसको डिज़ाइन दी हुई है। बात करते हैं एलिवेशन की, तो 18-12 के एक बॉक्स में 6 पीस आते हैं, और 9 फीट एरिया कवर करता है। रेट की बात करें तो 230 से 220 रुपए के बीच आपको ये मार्केट में उपलब्ध मिलेगी। प्रीमियम टाइल्स, वाटरप्रूफ टाइल्स, हमेशा आप टाइल्स खरीदें तब वाटरप्रूफ टाइल्स ही खरीदें। जैसा मैंने आपको बताया, ये अंदर आप चाहो तो ग्रेनाइट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो टाइल्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टाइल्स, इसके जॉइंट भरने बाकी हैं, देख रहे हैं आपको, इसके अंदर ब्लैक जब जॉइंट भरे जाएंगे तब इस प्रकार की आपको दरार नहीं दिखेगी। ये ब्लैक, ये कोटला ब्लैक जो चौखट लगाई हुई है, चौखट में ऑलरेडी लकड़ी की चौखट घुमाई हुई, लेकिन उसके पास में कोटला ब्लैक की चौखट भी साथ में ली हुई है। आप मेन गेट भी, और जब आप रूम्स के जो दरवाजे रहते हैं उनकी चौखट भी आप ग्रेनाइट में बना सकते हैं। मेन गेट में एंट्री के समय आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का यूज़ किया, और 200 मोल्डिंग के साथ उसको लगाया हुआ है सैंडविच करके, 200 3 कलर में। आप स्टायर केस में अमूमन देखा होगा इस प्रकार की 200 लगी हुई रहती हैं। जब भी आप मकान बनाते हैं तो आप भी ज़रूर इसका यूज़ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने जो जानकारी जो बताई उससे अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं हमेशा आपके मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। मकान के अंदर का बाथरूम और स्टेयर केस का वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, इसलिए इस चैनल पर हमेशा बने रहिए, आपको समय के साथ हर अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।